आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट टू स्टार्ट करेंगे। पार्ट वन में हमने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट को हमने यू वेलोसिटी से थ्रो कर दिया था। आप लोग वीडियो वन देखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन और ये सारी बातें मैंने बताया था। तो ये सारा हमने बताया था, यू से प्रोजेक्ट कर दिया, ये यू साइन थीटा है, ये यू कॉस थीटा है, ये सारा हमने डिस्कस किया था, ठीक है, वो वीडियो आप लोग देखिएगा। फिर हमने ये देखा था कि जो लॉन्चिंग पॉइंट है वहां पे जो यू है वो ये है, ठीक है, और जो यू कॉस थीटा है वो कॉन्स्टेंट है और यू साइन थीटा वेरिएबल है। यू साइन थीटा वेरिएबल है क्योंकि वर्टिकल फोर्स एम जी एक्ट कर रहा है, और यू कॉस थीटा कॉन्स्टेंट है बिकॉज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, सो देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, और जब एक्सेलरेशन नहीं होता है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। मैक्सिमम हाइट पे जो यू है वो है यू कॉस थीटा आई कैप प्लस जीरो जे कैप। उसका रीजन ये है कि मैक्सिमम हाइट पे ये चीज जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब तक जीरो नहीं होगा ऑब्जेक्ट ऊपर जाता रहेगा, इसलिए मैक्सिमम हाइट पे इसका जीरो होना जरूरी है। तो मैक्सिमम हाइट पे जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होती है वो मिनिमम होती है, ठीक है, और ये लॉन्चिंग पॉइंट है, लॉन्चिंग पॉइंट पे ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम होती है। ये हमारी मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम हाइट पे मिनिमम होती है। अब हम बात करते हैं लैंडिंग पॉइंट पे, राइट, ये लॉन्चिंग पॉइंट हो गया और ये हो गया आपका लैंडिंग, लैंडिंग पॉइंट। लैंडिंग पॉइंट पे जो वेलोसिटी यू होगी वो होगी आपकी यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप, और ये भी मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो आपने देखा लॉन्चिंग पॉइंट पे यू कॉस थीटा कॉन्स्टेंट है, मैक्सिमम हाइट पे u cos थीटा कांस्टेंट है और लैंडिंग पॉइंट पे भी u cos थीटा कांस्टेंट है। वेरी ये किया है, देखिए लॉन्चिंग पॉइंट पे पॉजिटिव है, मैक्सिमम हाइट पे जीरो है और लैंडिंग पॉइंट पे ये माइनस में चला गया है, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट करिए। अब हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा लॉन्चिंग पॉइंट पे कितना होगा, मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम हाइट पे मिनिमम होगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी है एट लॉन्चिंग पॉइंट, एट लॉन्चिंग पॉइंट एंड लैंडिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा और एट मैक्सिमम हाइट या एट हाईएस्ट पॉइंट ये आपका मिनिमम होगा, ठीक है। तो लॉन्चिंग पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, उसका रीजन ये होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि 1/2 एम तो कांस्टेंट है, वी वेरिएबल है, तो वी मैक्सिमम कहां पे है, वी मैक्सिमम है आपका लॉन्चिंग पॉइंट पे है और लैंडिंग पॉइंट पे है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होगी, लॉन्चिंग पॉइंट पे होगी और लैंडिंग पॉइंट पे होगी।
और हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब मैक्सिमम हाइट पे ये मिनिमम होगी, क्यों? क्योंकि वहां पे वेलोसिटी मिनिमम होती है। तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत अच्छे समझे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो कर दिया तो ग्रेविटी के कंट्रोल में, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो उसका मोशन होता है उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे हमने इसको थ्रो कर दिया, फिर हमने ये सारी चीजें देखा। यू साइन थीटा हमारा क्या है? यू साइन थीटा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। हमने क्यों ब्रेक किया? उसका रीजन ये है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में अप्लीकेबल होता है, इसीलिए हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। ये सारी चीजें आप देखिए। अब हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? तो ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट को हमने ओ से थ्रो किया और कहां तक गया? क्यू तक। ओ से क्यू तक जाने में जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? टाइम टेकन बाई प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू क्यू इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में आपने नोटिस किया, ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन भी कर रहा है और हॉरिजॉन्टल भी मोशन कर रहा है, बट हम यहाँ पे वर्टिकल मोशन, हम कौन सा मोशन लेंगे? वर्टिकल, वर्टिकल मोशन हम लेंगे और इक्वेशन अप्लाई करेंगे। सेकेंड इक्वेशन S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा टाइम ऑफ फ्लाइट में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। जीरो कैसे है? देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट में इनिशियली वर्टिकल हाइट कितनी है? जीरो है। और फाइनल वर्टिकल हाइट कितनी है? जीरो है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया? जीरो हो गया। तो एस आपका जीरो हो गया। यू की जगह हम रखेंगे जो इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है, यू साइन थीटा। यू साइन थीटा। टी की जगह रखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट टी प्लस 1/2। एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस में होगा टी स्क्वायर। देखिए जी माइनस में क्यों है? क्योंकि यू साइन थीटा किधर है? अपवर्ड है। जी किधर है? डाउनवर्ड है। जी क्या है? वेलोसिटी के अपोजिट है, इसलिए माइनस होगा। दो तरीके होते हैं, यू साइन थीटा के अपोजिट जी है इसलिए जी माइनस होगा, या दूसरा तरीका ये है कि अपवर्ड को यदि हमने पॉजिटिव एज्यूम किया तो डाउनवर्ड हमारा क्या होगा? माइनस में होगा, इसलिए ये साइन हमारा माइनस में है। अब देखिए, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका जीरो इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू। इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया आपका जी टी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। टी से टी कैंसिल आउट हो गया, एक टी से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया? टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूला हमारा हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या आया? टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो फिर से हम देखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट है, फिर से देखिए, देखते हैं इसे हम। टाइम ऑफ फ्लाइट है तो टाइम ऑफ फ्लाइट में हमने वर्टिकल मोशन को लिया। वर्टिकल मोशन में हमने कौन सा इक्वेशन अप्लाई किया? सेकेंड इक्वेशन अप्लाई किया। सेकेंड इक्वेशन में एस जीरो है, रीजन हमने एक्सप्लेन किया था अभी। फिर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा हमने लिया। ठीक है, टी को टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर दिया। ठीक है, फिर हमने यहाँ माइनस हो गया, यहाँ हमने ट्रांसफर कर दिया, फिर टी से टी कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे
बोर्ड के एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, प्लस इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज है, न्यूमेरिकल्स में यूज है, इसलिए इसको देखिए और इसको याद करिए, इतना नोट करिए। अब हम डिराइव करेंगे मैक्सिमम हाइट, ये जो हाइट है इसके फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे। तो इसके लिए हमने फिर से वर्टिकल मोशन को लिया, वर्टिकल मोशन को लिया और सेकेंड इक्वेशन अप्लाई किया। सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे तब भी डिराइव हो जाएगा, दो तरीके हैं, और थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे तब भी इसका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। सेकेंड अप्लाई करेंगे जो तरीका है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे, t की जगह t क्या है, यहां से यहां तक का टाइम है, लेकिन हमें जरूरत है सिर्फ यहां से यहां तक जाने की, तो t की जगह हम t बाय 2 पुट करेंगे तो फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। उसे छोटा मेथड है, हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन, इससे इसका फॉर्मूला थोड़ा छोटा हो जाएगा। दोनों तरीके हैं, सेकंड इक्वेशन से भी डिराइव होगा, आप लोग करके देखिएगा, होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, और थर्ड इक्वेशन से भी ये फॉर्मूला डिराइव होगा। थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, हमने वर्टिकली अप्लाई किया। अब देखिए वर्टिकल मैक्सिमम हाइट पे भी कितना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा, तो जीरो का स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू जी कितना होगा माइनस जी, एस कितना होगा आपका एच मैक्स होगा, ठीक है। तो जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच मैक्स, ठीक है। तो एच मैक्स हो गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, यह हो गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। क्या हो गया मैक्सिमम हाइट का, फिर से देखते हैं, ये हो गया वर्टिकल मोशन, हमने थर्ड इक्वेशन अप्लाई किया, वी जीरो हो गया बिकॉज मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल जो कंपोनेंट है यू साइन थीटा वो जीरो हो जाता है, इसलिए जीरो हो गया। ये इनिशियल वेलोसिटी है उसका होल स्क्वायर हो गया, जी माइनस में रखा बिकॉज दोनों अपोजिट है, वेलोसिटी ऊपर है ग्रेविटी नीचे है, ये डिस्प्लेसमेंट एच मैक्स हो गया, इसका ये फॉर्मूला आ गया। इसका डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है और इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसको आपने नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रेंज, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है OQ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेंज। तो रेंज की डिफिनेशन क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। तो ये रेंज हो गया आपका OQ, ठीक है। तो OQ क्या है आपका, जो OQ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये आपका हो गया रेंज, ठीक है। तो हम रेंज का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो देखिए हम यहां हॉरिजॉन्टल मोशन को लेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन में हमने इक्वेशन अप्लाई किया, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस कितना हो गया आर हो गया, यू कितना हो गया यू कॉस थीटा हो गया। यू कॉस थीटा क्यों हुआ, क्योंकि हम यहां हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं, तो कौन सी वेलोसिटी लेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेंगे, और हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू कॉस थीटा। टाइम क्या लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे, क्योंकि ओ से क्यू तक जाने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया टी प्लस वन बाई टू। एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स इन प्रो
प्रोजेक्टाइल मोशन, ये टर्म आपका जीरो हो गया, तो जो रेंज है आर वो कितना हो गया आपका यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना है 2u sin थीटा अपॉन g, इसको हमने डिराइव किया था अभी, तो रेंज हो गया आपका यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। ठीक है, अब देखिए जो 2 sin थीटा cos थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2θ/g, ये हो गया रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2θ/g। फिर से देखिए रेंज हमने हॉरिजॉन्टल मोशन लिया, सेकेंड इक्वेशन अप्लाई किया, u की जगह u cos थीटा पुट किया, a की जगह जीरो पुट किया, ये फॉर्मूला आ गया। फिर त्रिभुज की एक आइडेंटिटी होती है साइन 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए, त्रिभुज की उस आइडेंटिटी को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो ये चीज कन्वर्ट हो गया रेंज में u स्क्वायर साइन 2θ/g। ठीक है, अब देखिए रेंज u स्क्वायर तो एक हमने गिवन वेलोसिटी दे दिया तो u स्क्वायर तो फिक्स हो गया, जी क्या हो गया, जी तो फिक्स है, यदि हम एक अर्थ के सपोज एक इक्वेटर पे हैं तो वहां पे जी फिक्स होगा, पोल पे जाएंगे तो जी चेंज हो जाता है, बट यदि हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पे हैं तो जी हमारा कांस्टेंट रहे। अब जो साइन 2θ है ये वेरिएबल है, ठीक है, तो अब देखते हैं साइन 2θ मैक्सिमम कब होगा, साइन 2θ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और 1 कब होती है साइन 90 डिग्री की होती है, तो जो हमारा 2θ है वो हो गया 90 डिग्री, तो जो थीटा है वो 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं तो रेंज हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसका कई प्रैक्टिकल यूज है, जैसे कोई एथलीट है लॉन्ग जंप लगा रहा है, उसकी पूरी की पूरी कोशिश होती है कि जो लॉन्ग जंप लगा रहा है तो थीटा 45 डिग्री हो, क्यों, क्योंकि इससे रेंज ज्यादा होगा, लॉन्ग जंप में मेडल किसे मिलता है जो ज्यादा दूर तक जाता है, तो एथलीट की कोशिश होती है कि यू भी मैक्सिमम हो और एंगल ऑफ जो उसका प्रोजेक्शन हो वो क्या हो, वो हो हमारा 45 डिग्री। इसका और भी यूज है, मिसाइल्स में यूज है, ठीक है, और भी बहुत सी जगहों पे इसका यूज है। ठीक है, तो ये रेंज हो गया, तो रेंज के बारे में ये चीजें आप नोट कर लीजिए एक बार, रेंज इज सेम फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज है थीटा डिग्री पे जो रेंज आएगा 90 माइनस थीटा डिग्री पे भी सेम रेंज आएगा। फॉर एग्जांपल यदि किसी ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री पे थ्रो करें और 90 माइनस 30 डिग्री यानी कि 60 डिग्री पे थ्रो करें तो दोनों केस में रेंज सेम आएगा। देखते हैं कैसे, सपोज दैट थीटा डिग्री पे हमने थ्रो किया तो रेंज का फॉर्मूला क्या था यू स्क्वायर साइन 2θ/g, साइन 2θ को हमने ओपन किया तो 2 sin θ cos θ आया, तो रेंज क्या आ गया 2u square sin θ cos θ/g, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम बात करते हैं फॉर 90 degree minus θ, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए बात करते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं ये r आ गया, ठीक है, इसको हम r डैश लिख देते हैं, ठीक है, और इसको हम ले लेते हैं आर डबल डैश, तो ये हो गया आपका 2u square sin 90 degree minus θ into cos 90 degree minus θ upon g। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब जो आर डबल डैश है
r डबल डैश कितना होगा, 2 u स्क्वायर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, ये हो गया 2 u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी। अब देखिए इसको फिर ऑर्डर में जरा लिख लीजिए, ये हो गया 2 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, 2 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। क्या ये इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 2। अब आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि 2 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी 1 और 2 इक्वल है, तो ये इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन क्या आ गया, 2 means r dash equal to कितना आ गया, r double dash आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि रेंज को हम थीटा पे प्रोजेक्ट करें चाहे 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करें, रेंज की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। देखिए अब ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का देख रहे हैं पाथ, ये पाथ कर्व है, तो ये कर्व क्या है, सर्कल है, पैराबोला है, लिप्स है, हाइपरबोला है, कौन सा पाथ है, ये जानने के लिए हम लोग इसका इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हमने एज्यूम किया एट टाइम टी पे, किसी जनरल टाइम टी पे जो प्रोजेक्टाइल है उसका लोकेशन है एक्स और वाई, ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन, हम हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर करेंगे, तो इक्वेशन क्या, सेकंड इक्वेशन हमने अप्लाई किया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो s की जगह कितना हो गया, x हो गया, u की जगह क्या हो गया, u cos थीटा हो गया, ठीक है, t जनरल टाइम हो गया, ये जीरो हो गया, ठीक है। जीरो क्यों हुआ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन जीरो होता है। ये u cos थीटा क्यों है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा होती है और यही फाइनल भी होती है और ये कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो यहां से t कितना आ गया, यहां से t आ गया x अपॉन u cos थीटा, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब हम वर्टिकल मोशन को कंसीडर करेंगे, कंसीडर वर्टिकल मोशन, हम वर्टिकल मोशन को कंसीडर करेंगे, फिर से हम सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई किया हमने, ठीक है। S की जगह हम क्या पुट करेंगे, S की जगह हम पुट करेंगे y इक्वल टू u की जगह हम क्या पुट करेंगे, u sin थीटा, t की जगह क्या रखेंगे, t माइनस gt स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। S की जगह y क्यों, क्योंकि y वर्टिकल कंपोनेंट है, u sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है, t जनरल टाइम है, माइनस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है, बोथ आर अपोजिट सो दिस इज नेगेटिव। अब देखिए t को हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, पुट t फ्रॉम 1 इंटू 2, तो जब 2 में हम पुट करेंगे तो ये आपका इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू u साइन थीटा, t की जगह हमने क्या पुट किया, x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा माइनस
जी बाई टू टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यू से यू हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो वाई इज इक्वल टू हो गया, यू से यू कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स टैन थीटा, एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये देखिए ये जो है क्या इक्वेशन आया, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए जो पाथ होगा वो पाथ होगा आपका पैराबोलिक पाथ होगा, कौन सा पाथ होगा पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो है आपका फॉर्मूला, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसका बहुत यूज है, इसमें बहुत से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आईआईटी में बनते हैं, नीट में बनते हैं, सीबीएसई में भी पूछा जाता है, एसएससी में बोर्ड पेपर्स में भी पूछा जाता है, ये ठीक है। ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है, एक बार दोबारा देख लेते हैं, हमने हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर किया, इक्वेशन बनाया, हमने वर्टिकल मोशन को बनाया कंसीडर किया, इक्वेशन बनाया, फिर हमने वन से टी की वैल्यू को टू में पुट कर दिया, ये इक्वेशन बन गया, और ये जो हमारा इक्वेशन आया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों आया, देखिए ये वाई ये एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पाथ है वो पाथ होगा पैराबोलिक पाथ, पैराबोला होगा, देखिए पैराबोला की तरह इसका लुक भी आ रहा है, ठीक है। तो क्या हमसे कॉन्क्लूजन निकला कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें जो हमारा पाथ है वो पाथ क्या है पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। तो ये आप लोग पूरा जो है इसको आप लोग नोट करिए सारा, यहां से वहां तक आप लोग नोट करिए ये सारा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ठीक है। और अभी तक हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा इसमें चार फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का, दूसरा फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट का, तीसरा फॉर्मूला है रेंज का, और चौथा फॉर्मूला है जो प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन पाथ है उसका इक्वेशन, यानी कि ये वाला, चार फॉर्मूले हैं और आपको ये चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी आप क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। और आपने एक चीज और कॉमन देखा, हमने जितने भी मतलब इसमें फॉर्मूले चारों डिराइव किए उसमें सिर्फ और सिर्फ सेकेंड इक्वेशन अप्लाई हुआ है, ठीक है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसकी हेल्प से ये आपको याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का यदि कोई फॉर्मूला आपको डिराइव करना है तो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड इक्वेशन यूज करना है, सारे फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे। और जो मैक्सिमम हाइट है उसमें हमने थर्ड इक्वेशन इसलिए अप्लाई किया क्योंकि उससे थोड़ा फॉर्मूला डिराइव शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया थोड़ा, ठीक है। तो ये आप लोग करिए, और इसके आगे जो भी डाउट्स आएंगे, कोई न्यूमेरिकल में आपको डाउट आएगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और ये पूरा आप लोग नोट करिए, और फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। पार्ट वन में हमने क्या किया, पार्ट वन में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रो देखा, पार्ट टू में हमने सारे डेरिवेशन किए, और पार्ट थ्री में हम लोग कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। यदि आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग न्यूमेरिकल्स हमें आप सेंड कर सकते हैं, मैं जरूर उसका आंसर। थैंक यू।